गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई बिगेस्ट क्लासेज में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी और हिंदी की, है ना, यूपी जीके और हिंदी की 500 प्रश्नों की स्पेशल टेस्ट सीरीज चला रहे थे, जिसमें कि हम लोग हिंदी की टेस्ट सीरीज कंप्लीट करने के कगार पर लगभग में पहुंच चुके हैं। एक दो दिन में हमारी ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जल्द ही आपको हिंदी के साहित्य के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। इसीलिए हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। तो चलिए बात करते हैं आज के टेस्ट सीरीज के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पंकज में कौन सा समास है, ठीक है, पंकज में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास अथवा इनमें से कोई नहीं। तो पंकज अर्थात कमल होता है ना, तो ये तीसरा अर्थ दे रहा है, ठीक है, जिसमें पहला पद और दूसरा पद का अर्थ ना लेकर के तीसरे किसी नया अर्थ कोई लिया जाता है, तो उसमें कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शब्द में यड़ संधि है। ऑप्शन से राजेश, अत्याचार, सूर्योदय या राकेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अत्याचार, है ना, अति प्लस आचार। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यायाम में कौन सी संधि है। ऑप्शन से हमारा यड़ संधि, गुड़ संधि, स्वर संधि अथवा विसर्ग संधि। तो व्यायाम में कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। और व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा, वी प्लस आयाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निःसंतान में संधि है, निःसंतान में संधि बताना है आपको। ऑप्शंस हैं यड़ संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्मोह का संधि रूप होगा। ऑप्शन है नी प्लस मोह, निर्मोह, निह प्लस मोह या नी प्लस मोह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निह प्लस मोह। और संधि कौन सी होगी, इसमें विसर्ग संधि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकैक, यहाँ डबल मात्रा कर लीजिए, एकैक में, ऐसे एकैक लिखा होगा आपका, एकैक, ठीक है, एकैक में कौन सी संधि है। ऑप्शन है वृद्धि संधि है कि अयादि संधि है या गुण संधि है अथवा यड़ संधि है। तो एकैक में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, एक प्लस एक है ना, एकैक, इसमें वृद्धि संधि होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवोढ़ा है ना, नवोढ़ा में संधि रूप होगा। ऑप्शन हैं नौ प्लस ऊढ़ा या नौ प्लस ऊढ़ा या नवो बराबर उदा या नवो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, नवो प्लस डा ये भी नहीं होगा। तो नौ प्लस ओढ़ा होगा या नौ प्लस ऊढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नौ प्लस ऊढ़ा, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिरस्कार का संधि रूप होगा। ऑप्शन है तिरह प्लस कार, तिरस प्लस कार, तिरस प्लस कार या तिर प्लस कार। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तिरह प्लस कार, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदाचार में कौन सी संधि होगी। ऑप्शन हैं विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि अथवा स्वर संधि। तो सदाचार में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल का संधि रूप होगा, उज्ज्वल का संधि रूप बताना है, ठीक है। ऑप्शन हैं उद प्लस जल या उद प्लस ज्वल या उत प्लस ज्वल या उत प्लस जल। तो इसका राइट आंसर होगा उज्ज्वल का संधि विच्छेद, उत प्लस ज्वल, ठीक है, उत प्लस ज्वल हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण में संधि है। ऑप्शन हैं यड़ या दीर्घ या अयादि संधि अथवा वृद्धि, लिखा है वृद्धि संधि, है ना। तो पर्यावरण में कौन सी संधि है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यड़ संधि, है ना, परि प्लस आवरण। इसका संधि विच्छेद होगा परि प्लस आवरण, है ना। परि का अर्थ क्या होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, और वरण मतलब आवरण, परि प्लस आवरण, परि मतलब चारों ओर, आवरण अर्थात घिरा हुआ या ढका हुआ। इसमें संधि कौन सी होगी, यड़ संधि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन्मार्ग का संधि रूप। ऑप्शन है सत प्लस आर्ग, सत्य प्लस मार्ग या संत प्लस मार्ग या सत प्लस मार्ग। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सत प्लस मार्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण का संधि रूप होगा, रामायण। ऑप्शन है राम प्लस यन, राम प्लस आयन, रमा प्लस आयन या फिर राम प्लस अयन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा राम प्लस आयन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? ऑप्शन है बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता क्या है? तो तमाचा कौन मारेगा, किसने कहा है? रमेश ने कहा है ना, वो रमेश ही मारेगा, मैं। तो इसका राइट आंसर होगा रमेश, ऑप्शन नंबर सी, रमेश क्या है, करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसने पढ़ा था, इस वाक्य में काल है, ऑप्शन से वर्तमान काल, भूतकाल, आधुनिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूतकाल है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? ऑप्शन से विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय या सर्वनाम। तो राम धीरे धीरे पढ़ता है इसमें क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। और क्रिया विशेषण के अंदर मतलब पूछे किस प्रकार का होगा, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है? ऑप्शन हैं परिणामवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या पुरुषवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, नहीं पूछ रहा है ना, तो पुरुषवाचक नहीं है। पुरुषवाचक किसका विशेषण है? सर्वनाम का विशेषण, सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक, है ना। पुरुषवाचक विशेषण का भेद ना होकर के सर्वनाम का भेद है, इसमें पूछा गया है कि विशेषण का भेद नहीं है तो पुरुषवाचक नहीं होगा, इसीलिए यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना है क्या है? भाववाचक संज्ञा है कि विशेषण है या संप्रदान है अथवा अधिकरण है? तो उसका कोट पुराना था, ये क्या था, विशेषता बता रहा कोट की, है ना। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। अगला क्वेश्चन हमारा, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप क्या है, आप क्या है? ऑप्शन से निश्चयवाचक सर्वनाम है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है अथवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आप जो है निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? ऑप्शन से सर्वनाम है कि संज्ञा है या क्रिया है अथवा अव्यय है। तो वह हमारा सर्वनाम है, ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है, राम के स्थान पर वह प्रयोग किया गया है, राम संज्ञा है और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, घर पर माँ है, वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन से संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़का दौड़ता है, वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा अथवा इनमें से कोई नहीं। तो लड़का किसका बोध करा रहा है, पूरे लड़का जाति की करा रहा है बोध, है ना, तो जातिवाचक संज्ञा इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक का, है ना। ऑप्शन है कौन, मतलब कौन, आप, कोई या यह। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, यह है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जोसो में, मतलब जोसो में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम अथवा इनमें से कोई नहीं। तो जोसो में कैसा है, संबंधवाचक, है ना, जोसो में कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, बाबा ने मुकेश को डंडा मारा में कौन सा कारक है? ऑप्शन से कर्ता, करण, अपादान या संबोधन। तो गाइज इसमें दो कारक है, एक तो ने है और दूसरा को है, है ना। तो ने जो है ये कर्ता, ने कर्ता कारक होगा और मुकेश को जो है कर्म कारक होगा। तो इसमें ऑप्शंस में केवल एक ही देखो दिया हुआ है, कर्ता कारक, तो यही हमारा राइट जवाब, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? तो पेड़ से पत्ता गिरता है, ऑप्शन है कर्म कारक है कि अधिकरण कारक है या अपादान है अथवा करण कारक है। तो अलग होने के भाव में अपादान लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मरणासन में कौन सा समास होगा? ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। ठीक है, मरणासन मतलब मृत्यु के करीब, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचानन में कौन सा समास है? पंच है आनंद जिसके, है ना, ऑप्शन है अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा के पांच सिर होते हैं
ऑप्शंस हैं कर्मधारय, बहुव्रीहि द्विगु या अधिकरण। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस शब्द में वृद्धि संधि है? सदैव, किंचित, रमेश या नीरोग। यहाँ पर गाइस डबल मात्रा होगी सदैव में, है ना, सदैव में दो मात्राएं होनी चाहिए और इसी में वृद्धि संधि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। किस कारक में से विभक्ति का, मतलब से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में हुआ है? किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में हुआ है ना? ऑप्शन से कर्ता, अपादान, संप्रदान या करण। तो अपादान में से तो अलग होने के भाव में होता है ना, और करण में से का प्रयोग होता है मतलब के द्वारा, मतलब की सहायता से, साधन के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करण कारक। तो आज की टेस्ट सीरीज में गाइज हम लोगों ने 31 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको इसकी टेलीग्राम चाहिए तो जब हमारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।